यूपी के लखनऊ शहर च स्थित गुरुद्वारा साहिब के अगे जबरदस्ती दीवार खड़ी की जा रही है। सोशल मीडिया से वायरल हो रही इस वीडियो विच दिख रहा है कि किवे गुरुद्वारा साहिब अगे दीवार खड़ी करने की तैयारी चल रही है। एना ही नहीं, पूरी फोर्स बुला के बड़ी ही तेजी नाल एक काम चल रहा है। जो ये मैं कुछ समय पहले होकर के तुलवा रही हूँ। अरे जहाँ पर बाद में इनसे बस इतना बोला जा रहा है कि टाइम दे दीजिए, हम कुछ ना कुछ पेपर लेकर आएंगे, लेकिन ये मैडम नहीं मान रही है। अरे मैडम निकलने जो का रास्ता जो रात को दे, और कहाँ निकलेंगे रात को, कहाँ निकलेंगे आप लोग? साल भर सोई है अंदर, तो सब आसपास जो है फार्म बने हुए हैं, सब सिखों के ही फार्म है। पीछे भी अगर आप देखेंगे वो मकान पीछे दिख रहा होगा, मगर अब जो है ये पता नहीं किसके आदेश पर ये जो रास्ता जो है जो 2004 में लोगों को दे दिया गया था, छोड़ दिया गया था, आज वो आमादा है कि इसको जो है ये रास्ता बंद कर दे। अब आप खुद सोचिए, इस गुरुद्वारे को जो 58 का बना हुआ गुरुद्वारा है, इस पे आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा जो भी मेरी वीडियो को इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिख यहाँ पे पहुँचे। अभी तो करीबन 150 की तादाद पे लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप भी लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके यहाँ पहुँचे। मेमोरा में ये गुरुद्वारा है, बहुत मशहूर गुरुद्वारा है, काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है, सिखों की बहुत आस्था इसके अंदर है, और हर धर्म के लिए ये गुरुद्वारा है। गुरु नानक जो थे वो एक खाली सिख कौम के नहीं थे, वो तो हर लोग उनको मानते थे, हर धर्म के मानने वाले उनको मानते थे। तो सर्व धर्म का ये गुरुद्वारा है, और इस तरह से ये रास्ता खोद के इनका ये रास्ता बंद कर दिया गया। अगर ये मीडिया बंधु कोई मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके इसको अपने चैनल पे भी चलाएं, और अगर कोई कवरेज के लिए आना चाहे तो ये मेमोरा गांव में आ जाए। ये सब प्रबुद्ध लोग जो है लखनऊ के, ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं। कल पूरी फोर्स और आर्मी लगा के इसको इस तरह कराया गया। जिस देश की आर्मी होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, और उसको यहाँ पे लगा के, पुलिस को लगा के जो हमारे सुरक्षा में होना चाहिए उनको लगा के जबरियन ये रास्ता तोड़ा गया है। मैं निवेदन करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया करके आप लोग भी पहुंचे, नंबर नहीं है उसको हमारे पास, मैं क्या बोलूं, और इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे। हम लोगों ने, अब बताइए कैसी सरकार चुनी है, अब देखिए रातों रात ये देखिए ये पिलर खड़े कर दिए गए, ये देख रहे हैं रातों रात जबरियन ये पिलर खड़े करके। अब ये दीवार जो है इस पिलर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो पीछे की दीवार अगर आपको दिख रही हो तो इस तरह से ये दीवार पूरी है। ये मेन गेट का ही पूरा गुरुद्वारा, वो व्हाइट कलर से लेके ये पूरे गुरुद्वारे का ही रास्ता, और अब देखिए पूरी तरह से जो है अब इसको बंद करने में आमादा है, और मेन गेट यही है, और कोई आने जाने का रास्ता इधर को नहीं है। इनका ये कहना है कि आप देखिए कहाँ से आप रास्ता लेंगे। अब चूंकि ये अगर मेन गेट यहाँ पे लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि गुरुद्वारे में कैसे आएंगे जाएंगे, गुरुद्वारे में सेवा कैसे हो पाएगी।